हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, चेक से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर कई वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे वो वीडियोस जरूर देखें। उनके लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे चेक से ही रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में कि चेक बैंक में क्लियर कैसे होती है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए कर दीजिएगा इसको लाइक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करें ताकि सबको इसकी नॉलेज मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले चेक से रिलेटेड कुछ पॉइंट समझ लेते हैं जो मैं इस वीडियो में यूज करूंगा। पेई का मतलब ये है जिसके नाम पर चेक कटा है, यानी पैसा इसको मिलना है। दोस्तों, ये जो चेक है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें ये पेई है, यानी पैसा जो है वो इसको मिलेगा, इसके नाम पर चेक काटा गया है। चेक बैंक का मतलब है कि जिस बैंक का चेक है, यानी पेयर का बैंक, जो पैसा पेई की बैंक को देगा। अब दोस्तों, ये चेक में जो ये बैंक आप देख रहे हैं, ये पेयर का बैंक है। ये चेक जो है इस बैंक का चेक है, और जो पैसा अदा कर रहा है पेई को, उसका खाता इस बैंक में है, तो ये चेक भी इसी बैंक का है। क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस एक प्लेस है जो हर बैंक की होती है, और बैंक की सभी चेक्स, चाहे उनसे पेमेंट्स होना हो या पेमेंट्स रिसीव करनी हो, सभी को क्लियरिंग हाउस आना होता है और वहीं से होके निकलना होता है। अब दोस्तों, क्लियरिंग हाउस को हम लोग डिटेल में भी आगे जानेंगे। अब आइए दोस्तों, चेक को कैसे क्लियर करते हैं, इनको कुछ केसेस से समझते हैं। चेक और पेई का बैंक सेम है। अब दोस्तों, अगर चेक और पेई का बैंक सेम है तो इस केस में ये काम सेम डे पर हो जाता है, बल्कि शायद कुछ मिनट्स में ही हो जाएगा। लेकिन इसमें चेक या फिर पेई अकाउंट दोनों में से कोई एक तो उस ब्रांच का होना ही चाहिए जिस ब्रांच में चेक डिपॉजिट की गई है। अब दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं कि पेयर और पेई दोनों का बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन ब्रांचेस अलग हैं, तो पेयर ने पेई को चेक काट के दिया, तो पेई की जिम्मेदारी ये है कि उसको बैंक में लगाए वो। अब चेक जो है वो अकाउंट पेई चेक है, तो वो पैसा डायरेक्टली खाते में ही जाएगा। लेकिन चेक को डिपॉजिट करने का तरीका ये है कि पेई या तो अपनी ब्रांच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इसको डिपॉजिट करे, या फिर पेयर की ब्रांच में चेक को डिपॉजिट करे। किसी और ब्रांच में आप डिपॉजिट करेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई एक खाता उस ब्रांच का होना ही चाहिए जिस ब्रांच में चेक जमा किया गया है। चाहे पैसा निकालने वाला खाता, यानी चेक का खाता उस ब्रांच का होना चाहिए, या चाहे जमा करने वाला खाता उस ब्रांच का होना चाहिए। चेक और पेई बैंक अलग हैं, पर सेम सिटी में है, यानी ब्रांच सेम सिटी में है। अब दोस्तों, इसका मतलब ये है कि पेई और पेयर दोनों की ही ब्रांच, बैंक तो सेम सिटी में हो सकते हैं क्योंकि, लेकिन ब्रांचेस तो कई सारी हो सकती हैं, इसलिए पेयर और पेई दोनों के ही बैंक की ब्रांचेस एक ही शहर में है, यानी कि जैसे मान लेते हैं लखनऊ में है। तो अब इस केस में दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो पेई का बैंक है वो चेक को अपने क्लियरिंग हाउस भेजेगा, और क्लियरिंग हाउस का काम हो जाएगा कि उसको वो क्लियर कराए, वो उसको पेयर के बैंक भेजेगा और फिर वहां से पेमेंट आएगा, फिर उसके बाद वो पेई की ब्रांच को भेजेंगे पैसा क्लियरिंग हाउस वाले, और फिर उससे पेई के खाते में चला जाएगा। लेकिन इस केस में क्लियरिंग हाउस जो होता है वो चार्ज काटता है, जबकि लोकल क्लियरिंग में चार्ज नहीं कटना चाहिए। कुछ केसेस में कहीं कहीं ये बैंक के रूल्स हैं, हर बैंक का अपना अलग रूल है कि लोकल क्लियरिंग में चार्ज काटना है कि नहीं है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है कि क्योंकि सेम शहर है दोनों ही ब्रांचेस का, तो बैंक क्या करता है, पेई का बैंक ये करेगा कि डायरेक्टली चेक को पेयर के बैंक भेज देगा, उस ब्रांच में ही भेज देगा, और जो पेयर की ब्रांच होगी वो पैसा उसके खाते से निकाल कर RTGS या नेफ्ट के द्वारा पेई के बैंक को भेजेगा, और जब पैसा आ जाएगा तो उसको पेई के खाते में उसका बैंक पैसा डाल देगा। अब इसमें कोई चार्ज लगता नहीं है और ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। हर बैंक का चार्ज अलग होता है और ये बैंक टू बैंक डिफर करता है। चेक और पेई बैंक अलग हैं और सिटी भी अलग है। अब दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कि लखनऊ के एक पेयर ने कानपुर के पेई को पैसा दिया, यानी चेक जो है जिसके नाम पे काटा है वो कानपुर का है, और जिसने काटा है वो लखनऊ का है। तो ऐसे केसेस में पेमेंट कैसे होगा, इसको समझते हैं। इस केस में पेई बैंक चेक को अपने बैंक की क्लियरिंग हाउस में भेजेगा, जिसको क्लियरिंग हाउस वाले स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद डिजिटली उसकी कॉपी जो है वो पेयर के बैंक की क्लियरिंग हाउस को भेज देंगे। जब क्लियरिंग हाउस ये करेगा तो इसमें क्या है कि ट्रांजिट का टाइम जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि पहले क्या था कि पहले चेक मैन्युअली जाकर दिया जाता था एक क्लियरिंग हाउस से दूसरे क्लियरिंग हाउस तक, तब उस केस में ट्रांजिट में टाइम लगता था, जिसकी वजह से चेक के क्लियरेंस में भी टाइम लगता था, यानी पैसा दूसरे बैंक से आने में टाइम लेता था। अब क्या हो गया कि डिजिटली भेज दिया जाता है, तो डिजिटली भेजने से ये हो गया आज चेक क्लियरिंग हाउस को मिला, आज ही वो स्कैन होकर
डिजिटली पहुंच गया दूसरे क्लियरिंग हाउस में, और वहां पे वो लोग तुरंत उसको पास करेंगे, पैसा जो है इधर क्लियरिंग हाउस में ट्रांसफर कर देंगे, और फिर यहां से पे की ब्रांच को पैसा पहुंच जाएगा उसके खाते में। अब दोस्तों ये डिजिटली चेक सेंडिंग सिस्टम को CTS यानी चेक ट्रंकेशन सिस्टम कहा जाता है। इसकी वजह से जो टाइम है वो अब क्लियरिंग में बहुत कम लगता है। पहले जो है क्लियरिंग में दो दो हफ्ते लग जाते थे, क्योंकि चेक को इधर से अब किसी ने, ये तो मैंने बहुत पास का एग्जांपल लिया लखनऊ और कानपुर का, ये तो अगल बगल ही है, ज्यादा दूर नहीं है। अब दोस्तों जैसे ये लखनऊ और कानपुर का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, इस एग्जाम्पल में एक चीज है, अगर सरकारी बैंक होगा तब तो क्लियरेंस में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सरकारी बैंक जितने भी हैं उनके लगभग हर शहर में ब्रांचेस हैं और हर शहर में क्लियरिंग हाउस भी मिल जाते हैं, तो इसलिए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत फंसती है प्राइवेट बैंक्स में, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स की ना तो हर शहर में ब्रांचेस हैं और ना ही हर शहर में क्लियरिंग हाउस है, तो उनके केस में ये दिक्कत फंसती है। तो ये CTS का फायदा मेनली जो है वो प्राइवेट बैंक्स को मिला है, क्योंकि उनके क्लियरिंग हाउसेस हर शहर में नहीं होते हैं। अब दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ऐसे बता दूं कि ऐसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया या बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इनके क्लियरिंग हाउस आपको हर शहर में मिल जाएंगे, क्योंकि इनकी ब्रांचेस भी लगभग हर शहर में है। लेकिन वहीं अगर प्राइवेट बैंक की हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यस बैंक या HDFC बैंक या जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं जो इंडिया में खुले हुए हैं, या कोई भी बैंक जो प्राइवेट बैंक जो इतना फैला नहीं है, तो उसके क्लियरिंग हाउस आपको दूर दूर तक नहीं मिलेंगे। वो सिर्फ या तो आपको शहर की कैपिटल्स में मिलेंगे, कैपिटल्स के अलावा अगर कोई फाइनेंशियल कैपिटल होगी स्टेट की तो वहां मिल जाएंगे, वरना आपको हर जगह क्लियरिंग हाउस नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों लोकल क्लियरिंग में, जैसा कि दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, जब चेक और पेई के बैंक अलग है लेकिन शहर सेम है, तब इस केस में क्लियरिंग 2 से 3 दिन में हो जाती है। लेकिन अगर चेक और पेई का बैंक अलग है और सिटी भी अलग है, जैसा कि अभी मैंने बताया था, तो उस केस में क्लियरिंग में 1 हफ्ता लग जाता है, लेकिन 1 हफ्ते से ज्यादा कभी लगता नहीं है, जब तक केसेस कोई क्रिटिकल ना हो, चेक में कोई दिक्कत ना हो, वरना 1 हफ्ते से ज्यादा कभी लगता नहीं है, 1 हफ्ते के अंदर ही बल्कि बैंक्स अब कर लेते हैं, अब काफी जल्दी काम होने लगा है। आइए अब बात करते हैं चार्जेस की, और इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है SBI के चार्जेस जो डेट 1/10/2019 से लागू है। अगर अमाउंट 10,000 रुपए तक का है चेक का, तो 50 रुपए प्लस GST चार्ज कटता है। अगर 10,000 रुपए से 1 लाख तक का अमाउंट है चेक का, तो 100 रुपए प्लस GST कटता है। और अगर चेक का अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा का है, तो 200 रुपए प्लस GST क्लियरिंग का चार्ज बैंक काटती है। ये चार्जेस क्लियरिंग के हैं, जो आपके कट जाएंगे चेक को पेई बैंक में जमा करने पर। अब दोस्तों पेई ने अपने बैंक में चेक को जमा किया, वो चेक निकला बैंक ऑफ बड़ौदा का। अब जैसे ही वो क्लियरिंग हाउस जाएगा, तो चेक चाहे क्लियर हो या ना हो, मान लीजिए चेक में साइन गड़बड़ है, कुछ भी हो, तो ये जो पैसा जो है, ये पैसा तो आपका कटेगा ही कटेगा। लेकिन इसके बाद अगर मान लीजिए चेक में साइन गड़बड़ थे, या चेक बैंक के पास पेयर के अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो ऐसे केस में इनसफिशियंट बैलेंस के तौर पर चेक वापिस आ जाएगा, और चेक रिटर्न का आपको अलग से चार्ज आपको बियर करना पड़ेगा। और ये बियर सिर्फ आप ही को नहीं करना पड़ेगा, ये पेयर के अकाउंट में भी शो होगा, क्योंकि उसके खाते का चेक है, तो उसका बैंक भी उसका ये पैसा काटेगा। अब दोस्तों अगर नॉर्मल केस में चेक रिटर्न होती है, जैसे कि साइन मिसमैच हो गया, या चेक में कटिंग हो गई है, या ओवरराइटिंग हो गई है, जो कुछ भी है, ये नॉर्मल केसेस माने जाते हैं, ये नॉर्मल एरर्स हैं जिनकी वजह से चेक वापस आ जाती है, चेक रिटर्न हो जाती है, तब इन केसेस में SBI की अगर हम बात करें, तो अगर 1 लाख रुपए तक का चेक है, तो 150 रुपए प्लस GST चार्ज कटता है, और अगर 1 लाख से ऊपर का अमाउंट है, तो 250 रुपए प्लस GST चार्ज बैंक काटती है। लेकिन वहीं अगर इनसफिशियंट बैलेंस, यानी ये एक इम्पॉर्टेंट चार्ज है कि इनसफिशियंट बैलेंस के लिए ही अगर खास चेक वापस आ रही है, तो उस केस में सेविंग और करंट अकाउंट में 500 रुपए प्लस GST चार्ज काटती है, बहुत तगड़ा अमाउंट है। और जो अगर बिजनेस अकाउंट है या लोन उनके अकाउंट्स हैं, तो उनमें 500 रुपए प्लस GST साल में पहले 3 चेक्स अगर रिटर्न आते हैं उनका, और अगर चौथा चेक या उसके बाद कोई चेक रिटर्न आता है, तो उसमें 1,000 रुपए प्लस GST चार्ज कटता है। और लगभग ये हर बैंक में आप को ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि इनसफिशियंट बैलेंस का चार्ज ज्यादा ही होगा। ये मामला डिसऑनर का आ जाता है, बाउंस का आ जाता है इनसफिशियंट बैलेंस के केस में, तो इसलिए बैंक जो है वो चार्ज बहुत काटती है, ताकि कस्टमर जो है वो चेक्स ऐसे ही काट के किसी को ना दे। अब दोस्तों जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि चेक पेई ने अपने बैंक में लगाया, लेकिन चेक जो है वो रिटर्न आ गई। अब वो रिटर्न जो आई है वो कस्टमर की गलती से नहीं आई है, वो बैंक की गलती से आई है, वो टेक्निकल एरर है, यानी कि सॉफ्टवेयर में कुछ गलत एंट्री हो जाने की वजह से कभी कभी चेक जो है वो रिटर्न हो जाती है। तब उस केस में पैसा जो है वो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि अगर एक बैंक ने गलती की है, तो दूसरे बैंक वाले को ये बात नहीं मालूम होती है, तो दूसरा बैंक वाला तो पैसा काटेगा ही। तो ऐसे केस में आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, शिकायत करनी पड़ेगी, तो पैसा आपका वापस हो जाएगा।
क्योंकि इसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं है, यहाँ तो बैंक से ही गलती हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।